मुझ पर यकीन नहीं है? आपको क्या लगता है कि एक पत्नी अपने पति से अपनी इज्जत के बारे में झूठ बोलेगी? बात सच या झूठ की नहीं है अंजलि, तुम्हें गलत फहमी भी हो सकती है। गलत फहमी किस बात की आशीष? मैं कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम इसे भ्रम या अंधविश्वास कह के टाल दो। जो मैं फिजिकली महसूस करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मेरा रेप हुआ है, रेप। फुर्सत से बनाया तुझे अंजलि। बस ऊपर वाले ने मेरे हाथ की लकीर में लकीर का फकीर बना दिया मुझे। पता नहीं कि गरीबी कब दूर होगी। पति महोदय जी, ऐसे चिपकने की क्या जरूरत है? तुम पहचान कैसे जाती हो? पति की खुशबू पत्नी ही पहचानती। अच्छा, और वैसे भी किसी की क्या मजाल कि मेरे शरीर को हाथ लगा दे। क्या हो गया पति महोदय जी, आज सोना नहीं है आपको? एक नई कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी अंजलि, उसी की चिंता है। नौकरी लगेगी या नहीं वही सोच के नींद नहीं आ रही है। आप कोशिश कर रहे हैं ना, देखना एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। अंजलि, जीवन में आगे बढ़ना है, दूर निकलना है। हाँ हाँ, अभी के लिए आप सो जाइए, हम लोग कल बात करेंगे, है ना? आइए। क्या हुआ? अपना हाथ आगे कीजिए। अरे कीजिए ना, ये लीजिए। ये कहां से आए? ये मैंने बचा के रखे थे बुरे वक्त के लिए। आज आपका इंटरव्यू है ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप बस से जाएं। इन पैसों की ना आप गाड़ी कर लीजिए, जब आप इंटरव्यू पे पहुंचेंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। शुक्रिया अंजलि, मान करे ऐसी बीवी सबको मिले। अच्छा, बीवी भी कहते हो और शुक्रिया भी कर रहे हो। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं आपकी बीवी हूं या नहीं। मतलब ये
कि जब पति पूरे घर का भार संभाल सकता है तो बीवी क्यों नहीं? पति पत्नी दोनों मिलकर घर गृहस्थी को चलाते, समझे? अच्छा आप जाइए वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगी। जाइए, ऑल द बेस्ट। हम आपको हायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जॉब फुल हो गई है, सो प्लीज इंटरव्यू के लिए मत आइए। जी शुक्रिया, अगर फिर से जॉब फुल शुरू हो तो बताइएगा। जय बोल। हेलो, अच्छा सुन, मेरी ना मेहता सर से बात हो गई है, अभी की अभी सर ने तुझे मिलने बुलाया है। अरे वाह। अरे वाह वाह, छोड़ जल्दी जा, मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूं ताकि सर से मिल ले। ठीक है, ओके, चल बाय। क्या कहूं अंजलि से, इंटरव्यू देने के पहले जॉब फुल हो गई। इंटरव्यू लंबा चल रहा है, हे भगवान, इन्हें नौकरी दिला दीजिए। ठीक है, हम इस विषय में बाद में बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे लगाता हूँ बाद में। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो सर, सर मुझे विजय ने भेजा है। आओ बैठो, चाय या कॉफी? सर सिर्फ जॉब चाहिए। देखो, मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिलता हूँ, विजय मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट मिल रहा हूँ, वो भी यहाँ अपने घर में। शुक्रिया सर। और क्या है ना, मेरी ई कॉमर्स कंपनी है, वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर पर होता है, मैं कंप्यूटर चलाना तो आता है ना। सर मुझे कंप्यूटर चलाना तो नहीं आता, पर मैं सीख जाऊंगा सर। I like your spirit. Thank you, sir. चलो अच्छा है, ठीक है, अभी तुम जा सकते। सर इंटरव्यू हो गया? हाँ, अभी तुम जा सकते। सर जॉब पे कब से आऊँ? मैं बताऊंगा। ओके सर। विजय, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम किसी को भी मुझसे मिलने के लिए भेज देते हो। नहीं, मैं, पता है ना मेरी ई कॉमर्स कंपनी है, तो तुमने मुझसे ऐसे आदमी को मिलने के लिए क्यों भेजा जिसे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता? सॉरी सर। ठीक है, बहुत खूबसूरत हो तुम। सर ये वॉलेट मेरा है, गलती से गिर गया था। सर इसमें से कोई तस्वीर गिरी मिली क्या आपको? अरे वो रही, गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, बीवी है। बीवी? ओके सर, थैंक यू। विजय, हमारे दोस्त का नंबर भेजो। कौन सा दोस्त? ए भाई, जैसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आशीष? हाँ, जो भी नाम है उसका। लेकिन उसका नंबर क्यों चाहिए? देखो बेकार के सवाल मत करो, नंबर भेजो। हाँ हाँ, भेजता हूँ, एक सेकंड। अंजलि, 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 क्या हो गया? संभल के गिर जाऊंगी। क्या हो गया, इतने खुश क्यों हो? खुशी की बात है अंजलि, इसलिए खुश हूँ। लग गई? हाँ अंजलि, नौकरी लग गई। अरे वाह!
एक ई कॉमर्स कंपनी में नौकरी लगी है, जॉइनिंग लेटर भी आ चुका है, ये देखो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये तो वैसे ये ई कॉमर्स क्या होता है? अरे वही जहाँ सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2 दिन बाद से ही नौकरी पर जाना है, अब तुम भी सीना तान के बोल सकती हो कि मेरा पति बेरोजगार नहीं है। देखना अंजलि, बहुत आगे तक जाना है और जाऊंगा। हाँ अंजलि, कैसा है ऑफिस? अरे अभी ऑफिस में घुसा भी नहीं और तुमने कॉल कर दिया। मेरे मन में इतनी उत्सुकता है ना कि क्या बताऊं। अच्छा बॉस आ रहे हैं, रखता हूँ। हाँ हाँ, मन लगा के काम करना एकदम। किसका फोन था आशीष? हाँ सर, अंजलि का। तुम्हारी बीवी? हाँ हाँ सर। कैसी है तुम्हारी वाइफ? मतलब खुश है? हाँ सर, बहुत खुश है। तुम सिर्फ खुश हो, मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए। क्या हुआ सर? एक बात कहूँ आशीष? हाँ हाँ सर, कहिए, जो कहना है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, यहाँ बाहर खड़े खड़े ही काम करोगे या ऑफिस के अंदर भी जाओगे? सॉरी सर। आशीष यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी बॉस। क्या हुआ, डिस्पैच पोर्टल ओपन नहीं किया तुमने? तुम्हारा लॉगिन नहीं दिखा रहा। बॉस वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक एक्सेस कैसे करना उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ। माल का नसीब है भाई तुम्हारा, बहुत खूबसूरत। लोग सही कहते हैं, कभी कभी लंगूर के हाथ में भी अंगूर लग जाता है। इतनी हॉट लग रही थी यार उसकी वाइफ। तस्वीर से जी भरता है क्या आपका? तुम हाँ, मैं आपका ख्याल, आपकी सोच आपके सामने। वैसे क्या सोच रहे थे आप मेरी फोटो देखकर? यही सोच रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं कमिंग सर। ओके आओ। बॉस मैंने लॉगिन समझ लिया है, एक्सेल भी रेडी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बट ऐसा ही काम करो, बहुत आगे जाओगे। थैंक यू बॉस। अरे सुनो, बैठो। सच्ची मैं इतनी खूबसूरत हूँ? अरे हाँ, बॉस ने जैसे ही तुम्हारा फोटो देखा बस देखती रह गए। उनकी शक्ल बता रही थी, उन्होंने इतनी खूबसूरत औरत आज तक कभी नहीं देखी। बस 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 बस, इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। वैसे कौन सा फोटो लगा रखा है अपने कंप्यूटर पर? अरे वही जो तुम्हें पहली बार गिफ्ट की थी। ओ, वो वाली साड़ी? वो कलर तो मुझे बहुत पसंद है और मुझ पे सूट भी बहुत करता है। तुम पे सारे कलर सूट करते हैं अंजलि। वैसे एक बात कहूं जी, आप ना सबको मेरी फोटो मत दिखाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके सिवा मुझे कोई और देखे। वैसे एक बात कहूं जी, आप ना सबको मेरी फोटो मत दिखाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके सिवा मुझे कोई और देखे। बैठो,
आपका बहुत जरूरी बात है। आशीष तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? बस जैसे सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। अगर ऐसा करने का तुम्हें मौका मिले तो? मैं समझा नहीं बॉस। देखो हम तुम्हारी जॉब प्रमोशन कर देंगे और तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? यार तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, सच बताऊँ मैंने इतनी खूबसूरत औरत आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बॉस मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ पढ़ा लिखा बनने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीज़ों को समझता नहीं हूँ। अच्छा होगा कि आप मेरी बीवी के बारे में बात ना करें। अरे यार मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ। वो ठीक है लेकिन। अरे बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक बार उसे सामने से लुभाओ नहीं अपनी पत्नी से। आज डिनर में कुछ अच्छा बनाना, बॉस आएंगे। अरे पर आपने डायरेक्ट ही दावत दे दी मुझसे बिना पूछे। मैंने कल ही कहा था ना कि यार कौन सी सदी में जी रही हो तुम, ये किसवीं सदी है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। देखो मैं बॉस को लेकर रात ठीक 9 बजे आ जाऊंगा, कुछ अच्छा सा बना के रखना। अच्छा रखता हूँ, बाय। अरे आशीष भी ना, पर क्या करना है, बॉस तो बॉस होता है। हेलो। हाँ अंजलि, वो एक बात बताना भूल ही गया मैं। क्या? वो पीली वाली साड़ी पहन लेना, बॉस को अच्छा लगेगा। ठीक है। आइए ना अंदर चलते हैं। सच में आशीष बहुत किस्मत वाले हो, इतनी खूबसूरत बीबी मिली है। बस लीजिए ना, अंजलि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इतना बढ़िया खाना तो आज तक नहीं खाया, ऐसा खाना देखकर तो बार बार भूख लगेगी। मेरी बीवी के बारे में बात ना करें। अरे यार मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ। वो ठीक है लेकिन। अरे बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक बार उसे सामने से लुभाओगे नहीं अपनी पत्नी।
आप क्यों मिलना चाहते हैं मेरी बीवी से? देखो यार, बुरा मत मानना, खूबसूरत औरतें मेरी कमजोरी है। अगर तुम एक डील करो तो तुम्हें फायदा हो सकता है, प्रमोशन भी मिलेगा और पैसा भी। तुम आगे जाओगे आशीष? बहुत आगे। बॉस, अगर आपको लगता है कि मैं इतना गिर जाऊंगा, इतनी घटिया डील करूंगा, ये भूल जाऊंगा कि वो मेरी पत्नी है, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारी पत्नी के जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी, वैसे तुम्हारे जैसा कमीना आदमी भी नहीं देखा, और मैंने आप जैसा ठरकी बॉस भी नहीं देखा। खैर, मुझे बहुत दूर तक जाना है, और वो कहावत सुनी है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमारा भी एक सिद्धांत है, पत्नी और पैसे में से चुनना पड़े तो हम सिर्फ पैसे को चुनेंगे। मैं आपके डिनर का इंतजाम कराता हूँ, बस आप एक अच्छा सा चेक फाड़िए शगुन का। हमें डिनर करने के बाद आराम करने का सर। मेरा बेडरूम कैसा है आशीष? मॉर्निंग अंजलि। रात को डिनर के बाद क्या हुआ था? कब डिनर खत्म हुआ, कब हम लोग सोने गए, और अजीब सा बॉडी में पेन है मेरे। तुमने कल रात को कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कल तुम काम की वजह से ज्यादा थक गई थी, इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे सो गई थी। फिर मैंने ही उठा के तुम्हें बिस्तर पे सुलाया। कल की थकान अभी तक गई नहीं है तुम्हारी। लो, चाय पियो। आज तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ, आज घर से ही काम है। अरे वाह, क्या बात है, आजकल बड़ा ध्यान रखा जा रहा है मेरा। तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो अंजलि, और लक्ष्मी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना।
जाना जरूरी है क्या? मेहता सर की मेहरबानी से गांव में नया घर बना रहा हूँ, अब बीच बीच में जाके देखना तो पड़ेगा ही। नाम मत लीजिए उस मेहता को, हमारे सपने में रोज बुरा सपना बनकर आता है और उसके अगले दिन हमारा बदन टूटता है। ये क्या बेफिजूल की बातें कर रही हो? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आपको क्या लगता है कि एक पत्नी अपने पति से अपनी इज्जत के बारे में झूठ बोलेगी? क्यों बोलेगी झूठ? बात सच या झूठ की नहीं है अंजलि, तुम्हें गलतफहमी भी हो सकती है। गलतफहमी किस बात की आशीष? मैं कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम्हें से भ्रम या अंधविश्वास कहकर टाल दूं। जो मैं फिजिकली महसूस करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मेरा रेप हुआ है, रेप। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे होते हुए मेहता यहाँ आके तुम्हारा रेप करता है? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है आशीष। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो आशीष। हाँ मेहता जी। अरे भाई गांव में ज्यादा समय मत लगाना। देखो क्या है ना, हमें तुम्हारी बीवी के साथ की आदत पड़ गई है। तुम्हारी बीवी के साथ हमें रात को नींद नहीं आएगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा मेहता जी, बस कुछ दिन बिना सोए बिता ली। सबसे मेहता मेरी जिंदगी में आया है, से अपनी बीवी के साथ एक भी रात नहीं गुजार पाया हूं। जल्दी आके उसे सरप्राइज दूंगा, पूरी रात गुजारूंगा उसके साथ। बस 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 भैया रुक दीजिए। मेहता की गाड़ी? तो ये सब हो रहा है? तो मेरे आगे सती सावित्री बनने का ढोंग क्यों? तुम तो बोलो ही मत। तुमको क्या लग कि तुमने मेरा सौदा किया है? सच कहूं तो तुम सौदा कर ही नहीं पाए। सौदे पे सौदा तो मैंने किया है तुम्हारे इस मेहता से मिलकर। दो तीन दिन मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, फिजिकली कुछ गलत लग रहा था। औरत सब समझती है आशीष, मैं भी समझ रही। मुझे तुम पे शक तो हुआ था जब तुम जूस में दवा मिला के दे रहे। मैंने वो जूस पिया ही नहीं। तुम हो दो तीन रातों से मेरे बिस्तर पर। तुमको क्या लगा था कि मैं सो रही हूं? असल में मैंने वो नीम की गोली वाला जूस पिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा सौदा हुआ। मैंने देखा ऐसा फिल्मों में पति करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे एक सौदा करती हूं। तुम मुझे चाहते हो या मेरे शरीर? बताओ मेहता, तुमको मेरी तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी यार। देखो अब मैं आईने में खड़ी होकर अपनी गरीबी का रोना कब तक रोऊं, है ना? और मैं ना इस गरीब पति से ऊब चुकी हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये शरीर भी तुम्हारा और ये आत्मा भी तुम्हारी। और तुम्हारा पति? देखो पति का मतलब ना उसे पता है ना तुम्हें, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें पति का मतलब सिखा सकती हूँ। तुम भी तो पत्नी का मतलब नहीं जानती। मेरा रेपिस्ट मुझे नसीहत दे रहा है, कमाल है। तो क्या चाहती हो, तुमसे शादी कर लूं? हाँ मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। सच कहूँ मुझे शरीर और आत्मा दोनों चाहिए, लेकिन ये शादी वादी नहीं। बदले में जो चाहे मांगो मिलेगा।
दो तीन दिन लगे मुझे सच जानने में, पर मैं जान गई तुम्हारी फोन चैट से। तुम तैयार थे तो मैं भी तैयार थी। तुमको अपनी जिंदगी का सोचना था तो मैंने भी सोच लिया था। तुमको लग रहा था कि तुम गेम खेल रहे हो, लेकिन सच कहूं तो मेहता से मिलने के बाद और तुम्हारा सच जानने के बाद गेम तो मैं खेल रही थी। तो कैसा लगा मेरा गेम? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ही तो कहते थे कि अगर पैसे और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो तुम पैसे को चुनोगे, पत्नी को नहीं। और अगर सेम थॉट पत्नी ने सोच लिया हो तो पति को विश्वास ही नहीं होता। बारे बातें आशीष, तुमने कहावत तो सुनी होगी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। खैर छोड़िए, मेहता जी आशीष पर एक कर्म कर दीजिए। वैसे भी हम तो नए बंगलों में जा रहे हैं, है ना, तो इसे थोड़े दिन ना इसी बंगलों में रहने दे, कुछ हफ्ता 10 दिन, उसके बाद इसे यहां से धक्के मार कर निकाल दीजिएगा। तुझसे बड़ी कमीनी मैंने आज तक नहीं देखी। अगर एक कमीने को कमीनी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। चलिए मेहता जी, और हां जूस पी लेना, तुम बहुत अच्छा जूस बनाते हो। जान ले लूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये साहब टाइप आदमी कौन है? पता नहीं कहीं से मेरा नंबर निकाल कर मुझसे मिलकर डीलिंग करने आ गया। अगर डील माल वाली या फूकने फुकाने की होती तो मैं खुद हैंडल कर लेता। डील जरा खतरनाक है इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। मैं तो शरीफ लगता है, डील खतरनाक करना है? साहब की चिड़िया लेकर कोई हो गया, ऊपर से तो बात सुना के गया इसे। अच्छा चिड़िया खुद ही फूर हो जाती है, इसलिए तो आज तक मैं कुंवारा हूँ। कल तक इन दोनों की लाश का वीडियो देखना चाहता हूँ मैं। चाकू से गला काट के हत्या की है। ज्यादा देर जिया नहीं होगा। जब फोन किसने किया था? कोई पड़ोसी था लेकिन पता नहीं कहाँ है। हम यहाँ हैं। कौन थे ये और इनकी हत्या के बारे में क्या जानते हो? हत्या के बारे में नहीं पता पर हत्या होते हुए देखा है हमने। अच्छा तो पहचानते हो तुम हत्यारे को? नहीं, इनमें से एक को जानते हैं, यहाँ का छोटा मोटा गुंडा है, जावेद नाम है उसका। यानी तुझे अपनी पत्नी और उसके आशिक को मारने की सुपारी दी, तूने उसे ही मार दिया। सौ मौत आई थी साहब। साले नौटंकी मत कर, बजा बजा कौन सा बताएगा ना, चल बता दे अब कर सकते।
ताकि आज दो दिन हो गए पैसा दिए हुए, ना कोई खबर है ना कुछ पता है, पता भी नहीं काम हुआ कि नहीं। सब फिर फोन काटती, दुनिया बेईमानों से भरी पड़ी है, पैसा लेकर भाग गया लगता है। से कॉल कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहा था? कॉल क्यों कट कर रहा था? जब हम तुम्हारे पते पर आ रहे थे तो तुम्हारे कॉल करने और हमारे कॉल उठाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने मना किया था ना कॉल करने के लिए। ओके ओके कोई बात नहीं, तुम लोग को 50,000 दिए थे मैंने, बाकी के 50,000 रेडी है। जल्दी से वीडियो दिखाओ मुझे, उन दोनों की लाश देखने के लिए तड़प रहा हूं मैं कब से। क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? तू हमें उन दोनों को मारने के लिए 1,00,000 दे रहा था और हम दोनों उनको मारने गए भी थे, लेकिन 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 क्या? जब तू अपनी बिल्ली को लेकर अपने बॉस से सौदा कर सकता है तो क्या हम उनसे सौदे पे सौदा नहीं कर सकते? क्या मतलब? मतलब ये कि दुनिया मतलब की है, मतलब ये कि हर मतलब के पीछे पैसा है। हाँ, और जहाँ पैसा है वहाँ सौदा है। जब तू उन्हें मारने के लिए हमें 1,00,000 दे रहा है तो उन्होंने तुझे मारने के लिए 2,00,000 दिए। मतलब तुम लोग भी। अल्लू टाइम फटी मत कर, निकाल अपना चाकू, कर इसका काम तमाम। प्लीज मत मारो। बाकी के पैसे और आज के बाद आसपास दिखाई मत देना, हम नहीं चाहते कि पुलिस का साया भी हम पर पड़े। तेरे पास पैसा है तो तू कुछ भी कर सकता है क्या? उसने मुझे मारने के लिए इससे सौदा किया पर मैं ऐसा नहीं करता, उसकी जगह मेरी लाश होगी। डील करने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, अब सड़ो जेल में, जब जेल की हवा खाओगे तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। चलो जेल में।